पंचायती राज की भूमिकाएं तथा केंद्रित क्षेत्र। ग्राम पंचायत अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से गाँव में विकास कार्यों को संचालित करती है। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत जमीनी स्तर पर कार्य कर उन्हें सशक्त बना रही है। हमारे राज्य की ग्राम पंचायतों में विकास समिति, निर्माण एवं कार्य समिति, शिक्षा समिति, जल प्रबंधन समिति समेत अनेक समितियां होती हैं, जो ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रमों की देखरेख करती हैं। हमारे देश में 2.54 लाख पंचायतें हैं, जिनमें 2.47 लाख ग्राम पंचायतें, 6,283 ब्लॉक पंचायतें तथा 595 जिला पंचायतें हैं। देश में 29 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर में कुल 4,596 पंचायतें हैं, जिनमें से 4,291 ग्राम पंचायतें, 285 प्रखंड विकास परिषद तथा 20 जिला पंचायतें हैं। तीनों स्तर पर पंचायत की संरचना। भारत में शासन व्यवस्था की स्थापना केंद्र के बाद राज्यों से होकर जिला और इसके बाद सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों तक होती है। यही कारण है कि सन 1992 के बाद शासन में निचले स्तर पर भी अधिकाधिक लोगों की भागीदारी व अधिकार प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने का कानून बनाया गया। पंचायती राज को 3 स्तर पर अधिकार दिए गए हैं। पहला जिला परिषद, दूसरा प्रखंड विकास परिषद, तीसरा ग्राम पंचायत। जम्मू कश्मीर में ग्राम पंचायतें 3 स्तरों पर कार्य करती हैं, जिससे कि प्रत्येक गांव का विकास किया जा सके। ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा बहुमत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। एक गांव में 500 की आबादी पर एक वार्ड का गठन किया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित होता है। सभी वार्ड सदस्य अपने बीच से ही एक उप मुखिया को बहुमत द्वारा चुनते हैं। पंचायतों को संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों पर निर्णय लेकर कार्य करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और विकास योजनाओं को अमल में लाने का दायित्व पंचायतों को दिया गया है। केंद्र तथा राज्य सरकार एवं जिला परिषद द्वारा सौंपे गए कार्य करना, सभी ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श एवं समेकन करना तथा सभी समेकित योजनाओं को जिला परिषद में प्रस्तुत करना, पंचायत क्षेत्र विकास के लिए वार्षिक योजना बनाना, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति को सहायता प्रदान करना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में एवं योजनाओं का कार्यान्वयन करना, शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण व मरम्मत एवं संरक्षण आदि कार्य करना, तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सामाजिक व सरकारी संपत्ति से अतिक्रमण हटाना, गांवों के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन करना। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं के लेखा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित करने हेतु निर्देशित किया गया। स्थानीय जनता को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु लोक संसाधनों को पंचायती राज संस्थाओं के हाथों में सौंपा गया है। पंचायतें पूरा करेंगी सपना, सबसे आगे होगा राष्ट्र अपना।